ये 2021 के प्रोलिम्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये था कि दो स्टेटमेंट है ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी इज डिक्लेयर टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ है सेकेंड इज डिमांड ऑफ बंगला वाज वाज वन ऑफ द डिमांड्स टू बी नेशनल लैंग्वेज एंड दैट वाज रेज्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान अब देखिए जिस समय पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय बांग्लादेश भी उसका पार्ट था तो बंगला एक नेशनल लैंग्वेज भी रहे इसकी डिमांड उठी होगी और ये एक जेनविन सी बात है अब मोस्ट स्पेसिफिकली अगर आप ये सोचेंगे तो आपको लगेगा ये सही और ये सही है भी डिमांड तो उठी होगी लेकिन अब फाइनली स्टेटस दिया हो नहीं दिया वो बात की बात होगी तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि डिमांड ऑफ बंगला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान तो टू तो, तो सही है फर्स्ट की अगर बात देखेंगे तो ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है और ये यूनिसेफ़ ने बताया तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होता है और जनरली मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट में जब कोई बॉडीज़ होती है इंटरनेशनल बॉडीज़ तो यू पी जनरली स्वैप करती है और यहाँ पे यूनेस्को को स्वैप करके यूनिसेफ़ लिख दिया गया है तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉडीज़ जनरली स्वैप्ड होती है आपके एक स्टेटमेंट्स में और ऐसे भी देखिए तो यूनेस्को में आप पढ़े होंगे वेरियस हेरीटेज साइट्स है कल्चरल हेरीटेज साइट्स है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो सबकी लिस्ट तो कल्चर से रिलेटेड जितना भी प्रोटेक्शन का काम है वो यूनेस्को देखता है उसका फुल फॉर्म भी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ से भी आपको ये समझ में आएगा कि डेफिनेटली यूनेस्को ही होगा यूनेसफ है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड तो डेफिनेटली मदर लैंग्वेज से रिलेटेड अब इमरजेंसी uh, फंड तो अब चाइल्ड लेबर की बात होती तो यूनिसेफ हो सकता था लेकिन अब यूनिसेफ इसमें तो नहीं होगा यूनेस्को ही होगा आपको ऐसे ही लॉजिक से भी लगेगा और आपको अगर यूपीएससी का ट्रेंड पड़ता होगा क्वेश्चंस का तो भी आप ये सॉल्व कर लेंगे और साथ में अब ट्वेंटी फरवरी ना हो कुछ और हो तो जनरली यू ऐसे अब इतना भी फैक्चुअल नहीं जाता है ऐसे यहाँ पर ट्वेंटी फरवरी तो सही है तो आप लॉजिक से देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट को आप गलत प्रूफ कर लेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बी टू ऑनली